वेलकम टू ऑल। टुडे माई टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव टीचिंग। फॉर द सक्सेसफुल टीचिंग इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ द पीपल लर्न एंड बाई विच मैथड्स दे लर्न। टीचिंग मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। बेहतर और कामयाब टीचिंग वो है जिसमें ऐसे मैथड्स और टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए कि लर्नर्स के लिए इंटरेस्टिंग और मौसर हों। टीचर इन मैथड्स को लर्नर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें कि स्टूडेंट्स कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर अ टीचर टू फॉलो द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। आज मैं आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में बताऊँगी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, देयर आर सम प्रिंसिपल्स फॉर अफेक्टिव टीचिंग दैट आर इमर्ज फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल्स। These are principle of planning, principle of definite aim and objective, flexibility, understanding the learner, the individual differences, principle of creation and recreation, principle of democracy. Principle of planning, the success of any task or the activity depends upon the quality of pre-planning. Successful or good teaching is always well planned. एक टीचर को क्लासरूम में आने से पहले ही टॉपिक या जो लेसन पढ़ाना होता है उसके अबाउट पूरी स्टडी और प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक बेहतरीन टीचर ही वो होता है जो अपने टीचिंग प्रोसेस की वाजिया प्लानिंग कर लेता है। अ टीचर शुड प्लान हिज टीचिंग स्टेप वाइज। लाइक बहुत सारे टीचर्स वीकली लेसन प्लान बनाते हैं, कुछ मंथली लेसन प्लान बना लेते हैं और कुछ एनुअली, फॉर मेकिंग हिज टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव। टीचर सबक पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करता है और उनसे कुछ तमहीदी सवाल पूछकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि लर्नर जो टॉपिक उनको पढ़ाने जा रहा है तो क्या वो लर्नर उससे पहले उनके प्रीवियस नॉलेज में उस टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो उनकी गुज़श्ता मालूम को चेक करते हुए वो अपने टॉपिक की प्लानिंग करता है। टीचर शुड प्लान प्रॉपरली कि उसको क्या पढ़ाना है, उसके पास टाइम कितना है जिसमें उसने पढ़ाना है। बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड सो द टीचर शुड प्लान व्हाट ही हैज़ टू टीच एंड व्हेन ही हैज़ टू टीच। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन, डिवीजन एंड रिवीजन। प्लानिंग करने से पहले टीचर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। प्लानिंग में सिलेक्शन का टॉपिक सबसे पहले इसलिए है कि हमने टीचर जो है वो अपने मेथड्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन ऑफ द मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इस चीज़ के अंदर शामिल होंगे। सबसे पहले कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है कि हमने बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने हैं उसके लिए कंटेंट कौन सा सूटेबल होगा। फिर उस कंटेंट को हमने जिस मेथड्स के ज़रिए से बच्चों में डिलीवर करना है तो क्या वो मेथड कौन सा होगा। तो सिलेक्शन में टीचर अपनी ज़रूरी लवाजमात और अपनी ज़रूरी टीचिंग मेथड और कंटेंट को सिलेक्ट करता है। डिवीजन, जो हमारा कंटेंट होता है इट इज़ वेरी वास्ट एंड देयरफॉर टीचर शुड डिवाइड इट इनटू वेरियस यूनिट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर प्लानिंग। हम अपने कंटेंट को जब वो बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और एक अच्छा टीचर वही है जो उसको बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर इंटरेस्ट के लिए उसको वेरियस यूनिट्स में डिवाइड कर लेता है। जैसे हमारे चैप्टर्स को, जो हमारी किताबें हैं उनके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से स्टेप वाइज जो है वो बच्चों को डिलीवर किया जा सके नॉलेज। रिवीजन में ये होता है कि हम अपनी लर्निंग को मोर लास्टिंग बनाने के लिए द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड। जैसे हमने जो आज पढ़ लिया उसके बाद कोई रिवीजन ही ना हो तो क्या वो हमें याद होगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन में हम अपने नॉलेज को रिवाइज या रिपीट करके इसको लास्टिंग कर लेते हैं, यानी हम अपनी लर्निंग को मोसर बना लेते हैं। रिवीजन में स्टूडेंट्स को टीचर अपना जो लेसन पढ़ाया होता है उसको रिपीट करवाता है, उसकी रेपिटेशन करवाता है ताकि उनकी जो लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन सके। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम एंड ऑब्जेक्टिव। टीचिंग शुड स्टार्ट विद डेफिनेट एम एंड ऑब्जेक्टिव। Teaching objectives help the teacher at every step of teaching process. It makes teaching and learning interesting, precise and definite of selecting objectives. Teaching का एक particular aim या goal ज़रूर होना चाहिए। It means कि हमारे पास एक definite aim या goal होना चाहिए कि हम teaching क्यों कर रहे हैं।
अगर हमारे पास पर्टिकुलर एम या गोल होगा तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे इनको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग हैं इनको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई गोल या एम ही ना हो तो हम स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा ही नहीं सकते। हम लर्नर्स को कभी कुछ पढ़ा रहे होंगे तो कभी कुछ और पढ़ा रहे होंगे। सो विदाउट प्रॉपर लेसन प्लानिंग हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी डायरेक्शन को जा रहे हैं या नहीं। तो जो हमारे एम्स एंड गोल्स हैं वो हमारी टीचिंग में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को उनकी डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्शन बताते हैं। अगर हम एम को सेट करते हैं तो हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूटिलाइजिंग ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड। प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, द टीचिंग एक्ट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग बिफोर हैंड एंड इट इज डस नॉट मीन दैट इट शुड बिकम रिजिड। इट शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लर्निंग सिचुएशन। टीचिंग में फ्लैक्सीबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि टीचर अपने टॉपिक को जब समझे कि बच्चों को समझ नहीं आ रही तो अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर ले या स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन को इनके लर्निंग एनवायरनमेंट को बदल सके। टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर अगर ना हो तो हमारी टीचिंग जो है वो बोरियत का शिकार हो सकती है। टीचर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी टीचिंग के अंदर शामिल रखे ताकि अगर स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो उसका मतलब है कि स्टूडेंट्स या तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं या फिर टीचिंग मेथड इंटरेस्टिंग नहीं। तो उस्ताद जो है, जो टीचर है, वो अपनी टीचिंग को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने मेथड को जो है वो उसको बदलता रहे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, टीचिंग इज़ एम टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। टीचिंग का सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लेके आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी और उसके इंटरेस्ट को जान ले। अ टीचर शुड नो द नेचर ऑफ द लर्नर। टीचर को स्टूडेंट की नेचर, उसके इंटरेस्ट, उसके इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अ टीचर शुड नो द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, कि हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट और यूनिक इन टर्म्स ऑफ हिज मैच्योरिटी, नेचर, background, attitude and intellectual abilities. So everything, हर learner का background, उसका attitude, हर चीज़ different होती है। हमारे teaching method इस तरह से होने चाहिए कि वो हर learner के लिए equal opportunity दें कि वो अपनी learning को जो है वो बेहतर कर सकें। Therefore teaching is to design to perform and evaluate in view of principle of individual differences. तो हमारी जो teaching है उसको design ही इस तरीके से किया जाए और उसको evaluate भी इस तरीके से किया जाए कि हम हर स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी को मद्देनज़र रख सकें। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन एंड क्रिएशन, क्रिएशन मींस के अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। रिक्रिएशन मतलब के स्टूडेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए कुछ एहतमाम होना चाहिए और टीचिंग प्रोसेस में ह्यूमरस रिलेशन भी होना चाहिए बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, जिसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएटिव हो सके। और बोर्डम से बचने के लिए क्रिएशन इज़ नेसेसरी। सो क्रिएशन जो है रिफ्रेश करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि स्टूडेंट्स को जो है टीचर थोड़ा थोड़ा पढ़ा कर फिर उनको रिफ्रेश करे। इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर बच्चों से जो पढ़ाया है उसमें से किसी लाइट से टॉपिक से या कोई आसान सा क्वेश्चन पूछ के बच्चों को क्वेश्चनिंग के ज़रिए से जो है बच्चों में जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, उनको रिफ्रेश कर सके, या फिर ऐसे क्रिएटिव मेथड्स का इस्तेमाल करे कि उसमें जो है वो इंटरेस्ट या एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएटिव और रिक्रिएशन का माहौल जो है वो पैदा हो सके। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल टीचिंग इज डेमोक्रेटिव। टीचर शुड क्रिएट अ डेमोक्रेटिव एनवायरनमेंट इन द क्लास। He should think that each individual have equal rights in the class. हर student के पास equal rights होते हैं और teacher को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनकी individuality को मद्देनज़र रखते हुए और उनको proper जमहूरी माहौल जो है वह school class के अंदर provide करे।
स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टॉट कीपिंग इन व्यू देयर कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। स्टूडेंट्स को कभी भी उनके कास्ट या उनकी जो एबिलिटी है या उनके मज़हब या उनके रिलीजन के बारे में जानकर कभी भी उनको पढ़ाना नहीं चाहिए। प्लानिंग जो है उसके अंदर ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें स्टूडेंट्स को भी प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स प्लानिंग करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ टेक करेगा, तो इट विल हेल्प इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स अगर अलग अलग से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये उनके लिए उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिवेलपिंग होगा।